विधायक चंद्रभान सिंह आक्या का टिकट कटने से जुड़ी खबर। चित्तौड़गढ़ में चंद्रभान सिंह ने बड़ी संख्या में समर्थकों से मुलाकात की। गुलशन वाटिका में चंद्रभान सिंह के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक रही। चंद्रभान सिंह आक्या आज कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। टिकट कटने से चंद्रभान सिंह के समर्थकों में जबरदस्त आक्रोश देखने को मिल रहा है। तो गुलशन वाटिका में चंद्रभान सिंह के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक भी देखने को मिली। तमाम समर्थक नजर आए और आज कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं और ये जाहिर सी बात है, ये कहते नजर आएंगे कि मुझे तो समर्थकों का जैसे आदेश आएगा मैं वही करूंगा, क्योंकि समर्थकों से बड़ा कोई नहीं होता। चित्तौड़गढ़ विधायक चंद्रभान सिंह आक्या के टिकट से जुड़ी बड़ी खबर। चित्तौड़गढ़ में चंद्रभान सिंह ने समर्थकों से मुलाकात की। काफी संख्या में भीड़ जुटती हुई नजर भी आई थी। उनके साथ ही बैठक की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और एक बड़ा फैसला जो है वो ले सकते हैं। सहयोगी पीके अग्रवाल हमारे से जुड़ चुके हैं, उनका रुख करेंगे। पीके, पूरी जानकारी जरा दीजिएगा, फैसला क्या लिया जा सकता है? चंद्रभान सिंह ने जिस तरह से अपने समर्थकों के बीच मीटिंग की और इस मीटिंग के दौरान ये निकलकर सामने आया है कि पार्टी पर भरोसा नहीं करना है, अपन को चुनाव की पूरी तैयारी करनी है और एक तरह से खुला ऐलान कर दिया है कि अब निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, यानी पार्टी से बगावत करेंगे और चुनाव लड़ेंगे। लेकिन अभी भी कोई गुंजाइश है कि अगर पार्टी कोई मैनेज करती है तो निश्चित तौर पर उस पर ही विचार किया जा सकता है। लेकिन फिलहाल उन्होंने कहा है कि अगर पार्टी कार्यकर्ता, मेरे समर्थक और दूसरे लोग जो मेरे साथ हैं वो चाहते हैं कि मैं चुनाव लड़ूं, तो निश्चित तौर पर चंद्रभान सिंह चुनाव लड़ने के लिए तैयार हो गए और उन्होंने एक तरह से ऐलान कर दिया समर्थकों के बीच में कि अपन चुनाव लड़ेंगे। और चुनाव लड़ने का मतलब होता है कि किस तरह से तैयारी होती है। उन्होंने कहा कि हमने आह्वान ठीक है पीके, यानी कि फैसला ये है कि वो चुनाव लड़ेंगे। तैयारी समर्थकों को बोल दी गई है कि रखें वो अपनी तैयारी, निर्दलीय वो चुनाव ताल ठोकते नजर आएंगे। पार्टी ने जरूर टिकट काट दिया है लेकिन वो मैदान नहीं छोड़ने वाले। बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए।